रेड हो गया है स्काई, कितना मतलब अच्छा लग रहा है, जबरदस्त व्यू है। सो गाइस, पहुँचते पहुँचते बैग बैग सब रखते रखते टाइम हो गया था 3:20 जैसा, तो ज़्यादा लेट ना करके हम लोग लंच पे चले गए थे। वो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा गोब्रो का बैटरी भी ख़त्म हो गया था। जो भी है, मतलब खाने में जो है वो बड़ा जो घर है वो डाइनिंग है, तो मैं दिखाऊंगा अभी। ये डॉगी है, ओए ये भागता है मुझे देख के, पता नहीं क्यों। तो अभी उड़ाएंगे ड्रोन, भी अंधेरा होने वाला है, अगर ज़्यादा लेट करूँगा तो अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, तो थोड़ी देर में ही ड्रोन उड़ाऊँगा। थोड़ा प्लेस को देख लो, ऊपर एक रूम है उधर वाला और दो बेड है, और बाकी सब ये है, नीचे एक रूम है। हाय, तो नीचे जाके दिखाएंगे कहाँ पर खाने का बंदोबस्त है। और एक बात, इधर जो है होमस्टे का 1500 पर हेड, और 3 टाइम खाना देता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, और बॉनफायर के लिए अलग से पे करना पड़ता है, वो बाद में बताऊँगा कितना पे करना पड़ता है। और ये देखो तो स्विमिंग पूल है छोटा सा, पर अभी तो नहीं नहा पाऊँगा इतना ठंड है, अगर समर में आता तो स्विमिंग पूल यूज़ कर सकता था। और वो है डाइनिंग, सामने देखिए क्लोज व्यू देते हैं। ये डाइनिंग है, एकदम मस्त व्यू है, रात को और अच्छा व्यू मिलेगा लाइट वाइट ऑन होने के बाद। और नीचे एक खोला है सामने, अभी तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बोला कि 15-20 मिनट लगेगा नीचे एक खोला देखने के लिए, जाने के लिए फिर से आना पड़ेगा, आने का टाइम ज़्यादा लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है। और ये एक रूम है, ये सिंगल बेड है, और साइड का व्यू देखो, पूरे जंगल के बीच में ये होम स्टे। और रात को ऊपर एक पॉइंट है, उधर से कालिम्पोंग का अच्छा व्यू मिलता है, मतलब नाइट व्यू मिलता है कालिम्पोंग का। तो यही है होम स्टे का व्यू। ये वाला प्लेस देखो, बैठ के गप्पे सप्पे मारने के लिए बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है, स्टार लाइट भी है, रात को व्यू देखाऊंगा उसका व्यू कैसा है। और इधर छोटा छोटा बैठने का प्लेसेस है, ये पूरा एरिया है, कितना मस्त है व्यू, हल्का हल्का से पंछी का आवाज़ भी आ रहा है। तो चलो और लेट नहीं करूँगा, अभी ड्रोन उड़ाऊँगा, अभी चलो ड्रोन व्यू एंजॉय करो। फिर से उसको मिला है, उसका ही पकड़ने की कोशिश करते है, फिर से भागता है, रुक रुक। सो गाइस, हाउ वाज द ड्रोन शॉट, डू द कमेंट बिलो। तो अभी टाइम है, आई विल सी द नाइट व्यू ऑफ कालिम्पोंग। सो इधर से ट्रेकिंग करते हुए सामने जाना पड़ेगा ऊपर, उधर से कालिम्पोंग का व्यू, अच्छा नाइट व्यू अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, वो भी दिखाऊंगा। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो साइड में जंगल है, बीच से मिट्टी का रास्ता, अलग सा फील आ रहा है। और पीछे बाकी सब है, सबके साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। शीश पियोंग, अभिषिक्ता, सेवसी, नम्रता, नाम बोलो, सानिदा, सानी सानी सानी। तो वी आर
गोइंग फॉर सी द नाइट व्यू ऑफ कालिम्पोंग। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आधा मून सामने वो वाला, और उधर सनसेट हुआ था, अभी भी किरण है थोड़ा हल्का हल्का सा, और पीछे पूरा अंधेरा। अरे बाप रे, मस्त है। आई एम एंजॉइंग, वी ऑल आर एंजॉइंग। सो आप लोग भी वीडियो देखो, एंजॉय करो, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, और व्यू एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ो। अरे बाप रे, अंधेरा, फिर से लाइट दिखाई दे रहा है। उधर पूरा अंधेरा था, उधर से आके सामने जा रहे हैं, और सारा रात का व्यू देखो। ओ हो, रेड स्काई उधर देखो, पूरा रेड हो गया है स्काई, कितना मतलब अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त व्यू है। अरे बाप रे, खतरनाक लग रहा है। सो फाइनली पहुंच गया है व्यू पॉइंट। ओ माय गुडनेस, व्हाट ए व्यू, लवली। ओ हो 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 हो, गोप्रो में शायद नहीं आ रहा है, और सामने जो देख रहा हूँ ना भाई, ज़बरदस्त है। ओ पूरा जो है कालिम्पोंग है, लाइट जल रहा है पूरा, और ऊपर जो स्काई देखो पूरा रेड है। इधर देखो मून है ऊपर, और इस साइड में है कालिम्पोंग। सो गाइस, हाउ वाज द कालिम्पोंग नाइट व्यू, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके बाद हम लोग आके थोड़ा फ्रेश व्रेश होके रेडी होके इधर बैठेंगे। मैं पहले रेडी होकर आ गया हूँ, बाकी सब फ्रेश होने के लिए गया है अंदर, तो वो भी आएगा, फिर बातें साथ करेंगे। तो अभी होम स्टे का जो नाइट व्यू है वो भी दिखाएंगे, वो भी थोड़ा होम स्टे का टूर कराएंगे। तो चलो अभी वो दिखाते हैं, फिर होगा थोड़ी देर बाद बॉनफायर, वो भी एंजॉय करेंगे, वो भी दिखाएंगे। पूरा हर जगह लाइट है, बहुत अच्छा नज़ारा है। वो इधर जो मैं बता रहा था स्टार लाइट, और ये जो बैठने का प्लेसेस है बहुत सारे है, छोटा छोटा प्लेस, ये थोड़ा बड़ा है। ओहो हो, इधर अगेन आई एम बैक। सो हम लोग का जो बॉनफायर है वो भी स्टार्ट हो गया है इधर, और एक चीज़ दिखाएंगे, वो है अंदर, ये है तुम्बा, जो पहाड़ का होममेड दारू वाइन होता है, जो भी है ये होता है। तो इसको क्या होता है, इसको स्ट्रॉ से खाना पड़ता है, मुझे पता नहीं कैसे खाते हैं, मैं तो सब खाता नहीं हूँ, जो लोग ऑर्डर किए हैं वो लोग खाएगा, तो पिएगा, सॉरी खाएगा क्या पिएगा, तो मैं तो ये सब पीता पीता नहीं हूँ। लुकिंग गुड, बट क्या करें, मैं सोचा था ट्राई करूँगा, मैं सोचा था बहुत सारा कैसे चढ़ चढ़ जाता है, मैं तो सब पीता पीता नहीं हूँ, तो अलग बात है। तो आप आओ पियो, इधर बोलने के बाद इधर जो दीदी है होमस्टे का, वो भी मतलब ऑर्डर करने पड़ते हैं, पहले से बोल के रखना पड़ता है, फिर लोग बना के देता है। तो ठीक है चलो, अभी थोड़ा बॉनफायर इन्जॉय करो, इधर चल रहा है बॉनफायर बारबेक्यू, तो थोड़ा सिनेमैटिक लेंगे, फिर करेंगे डिनर। तो चलो सिनेमैटिक एंजॉय करो, गिटार विटार भी बजाएंगे, वो एक्चुअली मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, तो इसीलिए। तो और क्या, बाकी सब ठीक ठाक, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप वीडियो देखो एंजॉय करो, आप लोग भी आओ इधर, रिकमेंड बाय मी, बहुत ही अच्छा प्लेस है। इधर जो दादा है, जो दीदी है, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों का बिहेवियर है, सब कुछ बहुत अच्छा है।